मोक्ष मार्गस्य नेतारं भिक्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। परमार्थ आप्त आगम और तपोधन को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्कार। बाह्याभ्यंतर तपोनुष्ठान परस्य तद्भावना वशेन निस्सारीकृत मूर्ते हैं। बाह्य और अभ्यंतर तप के अनुष्ठान में तत्पर और उस तपश्चरण के आचरण के प्रभाव से जिनका शरीर सूख करके कांटा हो चुका है और पटु तपन ताप निष्पीत सार तरुरिव, जैसे तीव्र उष्णता में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसमें जलांश समाप्त हो जाता है, विरहित छायस, अब उन वृक्षों के नीचे जाओ तो फिर छांव भी नहीं मिलती किसी पथिक को, तो अगस्त शिरा जाल मात्र तनु यंत्रस्य, शरीर रूपी यंत्र ऐसा हो गया उनका कि त्वचा और अस्थि और नसों का समूह भर शेष रह गया है। सत्यप्याहार वसत भेष जादीनी दीनाभिधान मुख वैवर्ण्यांग संख्यादिभिरयाच मानस्य, इतना सब होने पर भी आहार, ठहरने का स्थान, औषध आदि आवश्यक वस्तुओं को भी जो दीन वचनों के द्वारा और मुख मुद्रा के माध्यम से या शारीरिक संकेतों आदि द्वारा नहीं मांगते, आवश्यकता पड़ने पर भी जो याचना नहीं करते, तो भिक्षा काले भी प्राणांत होने पर भी वो मांगने का काम नहीं करते। विद्युदुद्योतवत् दुरुपलक्ष मूर्तेर याचना परिशह सहनम अवसीयते। और भिक्षा के समय भी जब आहारचर्या को निकलते हैं तो फिर बहुत समय नहीं लगाते पड़गान वालों के पास, केवल एक नज़र ऐसे डाल ली, मिला तो रुके, नहीं मिला तो आगे चल दिए। तो जैसे बिजली चमक जाती है वैसे उनकी नज़र ऐसे उन जो अभिग्रह होता है, जो उनका संकल्प होता है, उसको देखने में क्षण मात्र में उनकी नज़र वहाँ चली जाती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और कभी मांगते नहीं, न संकेतों से, न मन से, न वचन से, ऐसे साधु के याचना परिशह सहनम अवसीयते, ये निश्चित हो जाता है कि इन्होंने याचना पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये कभी कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए मांगेंगे नहीं। इच्छाओं की पूर्ति दूर रही, इच्छाओं की उत्पत्ति को भी जीत लिया है उन्होंने। वायुवद संगार दनेक देशचारणों व्युपगतैक काल संभोजनस्य, वायु के समान निष्परिग्रह होने के कारण अनेक स्थानों पर विचरण करते हुए
जिन्होंने एक काल का समीचीन भोजन ही अपनी चर्या में स्वीकार किया हुआ है। वाचन यमस्य तत्समितस्य वा, वो भोजन के काल में या तो वाचन यम यानि मौन धारण करते हैं, अथवा तत्समितस्य वा कभी कदाचित कोई साधु आहार की वेला में, भिक्षा काल में भी, भोजन के समय भी, तत्समितस्य भाषा समिति से कोई आवश्यक वचन बोल सकते हैं, ऐसे कौन से वचन हो सकते हैं जो बोल सकते हैं? कोई ऐसे वचन जिससे जीव विराधना रुकती हो, अथवा मान लो किसी पात्र में कोई मक्खी वक्खी कुछ गिर गई और उनके संकेत, वो संकेत करना चाह रहे हैं कि इसको बचा लो, तो नहीं समझ पा रहे हैं वो, तो फिर वो ऐसे कोई वचन बोल सकते हैं कि उस जीव की रक्षा करो इत्यादि, उसको बचा लो। पानी में गिर गई मक्खी या फिर कोई भी ऐसी बात, ये तो एक उदाहरण मात्र था, यहाँ पर तो इतना स्पष्ट लिखा हुआ है कि या तो मौन रखें या फिर तत्समितस्य भाषा समिति के साथ कुछ आवश्यक बात बोल भी सकते हैं। सकृत स्वतनु दर्शन मात्र तंत्रस्य, एक ही बार अपना रूप दिखाएंगे पड़गान करने वालों को। ऐसा भी नियम होता है कुछ साधुओं का, दोबारा उनके सामने नहीं जाएंगे जिनके सामने जा चुके हों। पाणी पुट मात्र पात्रस्य, और केवल इतना ही अंजलि का जो पुट बना है वही उनके लिए एक पात्र है, बर्तन है। बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु, कई दिनों तक कई घरों में भ्रमण करने पर भी भिक्षाम अनवाप्य अपि, भिक्षा को न प्राप्त करके भी असंक्लिष्ट चेतसः, उनके अंदर कषाय तीव्र नहीं, अशुभ लिष्या नहीं हो रही उनको, दात्र विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य, और फिर इतने दिन के भूखे होने के बाद भी वो कोई खास दातार जो बहुत अच्छे से आहार आदि कराता है, कुशल है और जिसके यहाँ भोजन भी बहुत व्यवस्थित बनता है, उसकी कोई उनके अंदर उत्सुकता नहीं है। मतलब वो ऐसे दातारों को नहीं ढूंढते कि जो स्पेशल ध्यान रखते हों और अच्छे से साधु जो अभ्यस्त हो आदि, उसमें उनका कोई वो नहीं है। लाभादप्यलाभों में परम तप इति संतुष्ट स्यालाभ विजयो से, यह लाभ से बड़ा तप तो मेरे लिए, लाभ से उत्कृष्ट तप अलाभ है, मिलने से बेहतर तो न मिलना है। ऐसे संतुष्ट रहने वाले साधु पर, साधु में अलाभ परिषय पर विजय निश्चित होती है, यानी ऐसे साधु की अलाभ परिषय पर विजय निश्चित होती है। इसके बाद रोग परिषय, सर्वाशुचि निधानमिदम अनित्यम अपरित्राणमिति शरीरे निसंकल्पत्वात्, सब प्रकार की अपवित्र वस्तुओं का ये भंडार है, यह अनित्य है, यह नश्वर भी है, इसको कोई बचा नहीं सकता, मृत्यु के समय शरीर छूट ही जाता है। इस प्रकार शरीर के प्रति निसंकल्पत्वात्, कोई भी इसको शरीर को पुष्ट करने आदि का संकल्प उनके अंदर नहीं आता, या शरीर की रक्षा आदि करने का भी संकल्प नहीं आता, केवल शरीर साधना में सहायक है इसलिए उसको योग्य भोजन आदि दे देते हैं। और विगत संस्कार से, और शरीर की कोई सजावट करते नहीं, गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन संरक्षण संधारण कारणत्वात्,
गुण रूपी रत्नों का जो पात्र है उसका संचय प्रवर्धन और संरक्षण और संधारण करने में ये शरीर कारण है। शरीर होता है तभी तो ये सब व्रत आदि सब शक्य हैं औदारिक शरीर के साथ। तो इनका कारण होने से अभ्युपगत स्थिति विधानस्य अक्षम रक्षणवत। तो उन्होंने खड़े होकर के भोजन की क्रिया स्वीकार की हुई है तो अब अक्षम रक्षणवत व्रणानुलेपन वद्वा बहुपकारक माहार मभ्युपगच्छतु। अब आहार को क्यों स्वीकार कर रहे हैं वो? तो बोलते हैं कि अक्षम रक्षणवत, जैसे अपन ने भिक्षा शुद्धि में पढ़ा था ना कि जब कोई व्यापारी अपने रत्नों से भरी गाड़ी को ले जाता है तो मार्ग में उसकी चाक होते हैं चक्के, उनको तेल ओंघन की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा वो आवाज़ करने लगते हैं, उनमें घर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। तो इसी प्रकार ये मोक्ष की यात्रा में भी शरीर रूपी गाड़ी है और अंदर रत्नत्रय विहारी आत्मा है, तो रत्नत्रय को लेकर के उसको जाना वहाँ पर समाधि तक। तो ऐसी स्थिति में बीच में जब शरीर रूपी गाड़ी चेंचू करती है तो फिर थोड़ा सा ऑयलिंग सेंटर पर जा कर के यानी श्रावक के घर जा कर के इस गाड़ी के चक्कों में थोड़ी सी ओंघन डाल देते हैं, जितना आवश्यक है उतना डाल देते हैं। अथवा व्रणानुलेपन वद्वा, जैसे कभी कोई घाव हो जाता है तो उस पर हल्दी वगैरह कुछ घी या चंदन या कुछ भी लगा देते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर पेट खाली हो जाता है तो फिर थोड़ा सा भोजन का लेप वहाँ अंदर पहुँचा देते हैं तो फिर वो आकुलता शांत होती है। तो इन अपेक्षाओं से बहुपकार माहारम, जो बहुत उपकारी है ऐसे आहार को स्वीकार करने वाले जो साधु हैं, और विरुद्ध आहार पान सेवन वैषम्य जनित, और कभी देने वालों के निमित्त से कोई विरुद्ध आहार या कोई पेय पदार्थ सेवन करने में आ जाए तो उसकी विषमता से उत्पन्न जनित वातादि विकार रोग से, वात आदि विकार रूप रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक कथा आई है उसमें एक मुनि महाराज ने चौथे काल में दीक्षा ली थी, पहले चक्रवर्ती थे, तो जब आहारचर्या के लिए वो निकले तो उनको भोजन में कोई ऐसी विरुद्ध वस्तु कोई दातार ने खिला दी, परिणाम स्वरूप उनको कई व्याधियां हो गई और सैकड़ों वर्षों तक उनने उसका उपचार भी नहीं लिया। तो इंद्रों में उनकी प्रशंसा होने लगी कि देखो कैसे रोग परिचय पर कैसे विजेता है, इतने रोग होने पर भी ये कोई उपचार नहीं करा रहे। फिर देवों ने उनकी परीक्षा ली जाकर के,
कथा थोड़ी लंबी है, पर हम उसमें से जो बात बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई विरुद्ध भोजन आ गया उनको, तो उससे उनको रोग उत्पन्न हो गया। ये लिखा है सनत कुमार चक्रवर्ती ने वैराग्य पूर्वक पुत्र विजय कुमार को राज्य प्रदान कर विनयंधर गुरु से दीक्षा प्राप्त की। 3 उपवास के बाद चौथे दिन आहार चर्या के लिए निकले। एक बुढ़िया पड़गान करके उनको कमल बीज के तेल से बने व्यंजन भोजन में खिलाती है, वह उनके लिए प्रतिकूल पड़ जाता है। यानी उनके शरीर के लिए वो जो भोजन था वो विष के जैसा काम करता है और उनको 700 रोग हो जाते हैं। उनने सब कुछ सहन किया और लगातार 100 वर्ष तक अत्यंत कठिन तप करते रहे। दीप्त तप, महातप, घोर तप, आमौषध, विप्रुष औषध, सर्वौषध रिद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। सनत कुमार मुनि स्वयं अपनी रिद्धियों का प्रयोग न करके अपने तप में लीन रहते थे। अन्य के लिए रिद्धि का प्रयोग आपत्तिजनक नहीं था। कोई दूसरे साधु को तकलीफ होती थी तो वो रिद्धियों से ठीक करते थे। वे विचार करते थे कि रिद्धि अपना कार्य करती रहे, मुझे तो तप द्वारा अपना कार्य करना है। वे रिद्धियों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए आत्म कार्य में संलग्न रहते थे। एक दिन सौधर्मेंद्र अपनी सभा में मुनि वर्णन के अंतर्गत सनत कुमार मुनिराज का स्मरण किया। कहा, वात, पित्त, श्लेष्मा, श्वास, कास, जरा, रुचिर, चर, जरती के अलग अलग प्रकार के रोग हैं, साराक्षी, कुक्षी वेदना, स्फोटक, पिटक, शूल, भगंदर, कुष्ठ, क्षय, गंड, शिरोवेदना आदि 700 भीषण रोगों से शतवर्ष से ग्रसित काया वाले सनत कुमार महामुनि कठिन तपश्चरण में लीन है। अब वहां इंद्र की सभा में विजय और वैजयंत नाम के देव उपस्थित थे। वे उत्कंठित होते हैं कि यह कैसे संभव है कि 700 प्रचंड रोगों को एक सुख भोगी चक्रवर्ती मुनि अवस्था में 100 वर्ष तक सहन कर ले। वे वैद्य भवन बनकर वहां पहुंचते हैं जहां मुनिराज विराजमान होते हैं। मुनिराज ध्यान में बैठे होते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तब ये सविनय विनय निवेदन करते हैं कि आपका उपचार हम एक सप्ताह में कर सकते हैं, अनुमति दीजिए। मुनिराज उनके प्रति तटस्थ रहते हैं। दूसरे दिन फिर से निवेदन करते हैं, वैद्यक शास्त्र में हम अत्यंत कुशल हैं और आपको हम 700 रोगों की पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं और संसार में ऐसी कोई औषध नहीं जिसके जानकार हम न हों, अतः हमारा उपचार स्वीकार कीजिए। हम आपकी अनुमति प्राप्त करने आए हैं, केवल एक ही सप्ताह की अवधि तो मांगते हैं। अब सनत कुमार मुनि उनसे प्रतिप्रश्न करना चाहते हैं, परंतु तभी उनके मुख से
एक विप्रुष बाहर आते, मतलब एक ऐसे छींटा सा बाहर आता है उनके मुख से, बीमार थे तो एक छींटा बाहर आ जाता है और उनकी त्वचा पर वह बूंद गिर पड़ती है, जिससे वे दोनों को दिखाते हुए पोछ देते हैं। वो दोनों जो देव परीक्षा लेने आए थे वैद्य बनकर, उनको ऐसे दिखाने के लिए ऐसे पोछ देते हैं, उनको दिखाते हुए पोछ देते हैं। तत्काल वह स्थान स्वर्णिम कांति से संपन्न हो जाता है। रिद्धिधारी देव अचंभित हो जाते हैं। अब वे उनसे कहते हैं, मुनिराज देवों से कहते हैं, हमारे शरीर में जितने रोग हैं उनका उपचार हमें आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे पास स्वयं है। आप बहुत बड़े वैद्य हैं, क्या आपके पास जरा मरण का उपचार है? यदि हो तो मैं स्वीकार करता हूं। विजय वैजयंत कहते हैं, जब तक भव रूप जीवन है बुढ़ापा तो आएगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी और मृत्यु भी अवश्य होगी। संसार में केवल जैन मुनि ही इन रोगों का उपचार जानते हैं। क्या बात है, मतलब जिनका उपचार मुनि ने उनसे पूछा, वो देव कह रहे हैं कि उसका उपचार केवल जैन मुनि जानते हैं, आप ही सबसे अधिक समर्थ हैं। स्वधर्म कल्प के इंद्र के मुख से विनिर्गत आपकी इसी प्रशंसा से प्रभावित होकर हम यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने उपस्थित हुए देव हैं। हमने जो देखना था देख लिया, इंद्र ने जो कहा था वह आपकी महिमा के सामने नगण्य है। यानी इंद्र ने जितनी प्रशंसा की थी आपको देखने के बाद लगता है वो कुछ भी नहीं थी, नहीं के बराबर थे। हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं। वे निकटवर्ती कुएं में अपने औषध विसर्जित करके स्वर्गलोक लौट जाते हैं। आज वह कुआ सर्वरोग निवारक जल से परिपूर्ण है। कहाँ है पता नहीं, लेकिन है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो कुआ आज भी है। 1000 वर्ष पुराने शास्त्र में ये बात लिखी हुई है। ये कन्नड़ ग्रंथ का, हिंदी हमने लिखी थी, एक प्रोफेसर ने उसकी वाचना की थी, तो वो इंग्लिश हिंदी जैसी भी भाषा आती थी उनसे वो अनुवाद करते थे और हम उसको व्यवस्थित हिंदी में लिखते जाते थे। तो ऐसी पूरी 19 कथाएँ लिखी हमने, बहुत अद्भुत कथाएँ वो। और उस ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है कि अगर किसी का मन जैन धर्म से थोड़ा सा चंचल हो रहा हो, विचलित हो रहा है, वो इस ग्रंथ को पढ़ लें, पक्का दृढ़ हो जाएगा। सनत कुमार मुनिराज अंततः सर्व व्याधियों को सहते हुए पुनः शत वर्ष तपश्चरण करते हैं। यानी 200 वर्ष तपस्या की उन्होंने 700 रोगों के साथ। और रत्नत्रय की साधना करते हुए संलेखना करके अपनी आयु पूर्ण करते हैं। रत्नत्रय पूर्वकम साधयति आत्मानम इति साधुः। उस ग्रंथ में ऐसे 19 मुनियों की कथा है जिन्होंने इतने सब कष्ट सहन किए लेकिन फिर भी अपने आप को शांत रखा। हर कष्ट में जिन्होंने अपने आप को शांत रखा, ऐसे 19 मुनियों की कथा उस पूरे ग्रंथ में। वड्डा राधने जो बड़े जन हुए हैं, बड़े मुनिराज हुए हैं, उन्होंने जो आराधना की है, 4 आराधना, उनकी कथा है उसमें।
मुनि शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें महामुनि आदि लगाना तो बहुत ऊपर की बात हो जाती है। ये सुकुमाल महामुनि, सुकौशल महामुनि, गजकुमार महामुनि, सनत कुमार महामुनि, इनके साथ महामुनि शब्द कुछ कुष्ठ है ना, उसमें तो कुष्ठ आया ही हुआ है। 700 वैदियों में कुष्ठ अलग हो जाएगा क्या? कुष्ठ तो उसमें पहले नंबर पर है, सबसे प्रथम रोग तो कुष्ठ ही है। हाँ बिल्कुल, सनत कुमार मुनि के तन में कुष्ठ वेदना व्यापी। यह उपसर्ग सहोदर थिरता आराधन चित धारी, तो तुमरी जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव। निष्प्रय सागर मुनि महाराज थे, यहीं पर धर्मस्थल की बात है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने बहुत संलेखनाएं कराई है और उनको एकदम देख के ही पता चल जाता है कि अब इनका समय थोड़ा रह गया। तो हम शाम को आचार्य वंदना के लिए गए तो उन्होंने बोला कि नीचे मुनिराज का समय थोड़ा है, मिल लो। तो हम चले गए वहाँ पर, तो फिर उनकी अवस्था देखी, उनके शरीर में पूरे त्वचा पर बहुत ऐसे तकलीफ थी उनको। तो फिर हमने नमस्कार करके कहा कि हे क्षपक राज, आपके दर्शन से हमें सनत कुमार मुनिराज का स्मरण आता है। तो उनने ऐसे कहा कि सुनाओ सनत कुमार मुनिराज के बारे में कुछ सुनाओ। तो फिर हमने एक कथा सुनाई और फिर कथा सुना करके हमने कुछ और भी ऐसे वाक्य बोले कुछ कि जो संलेखना के समय बहुत हितकारी वचन होते हैं और जिनवाणी की कृपा से वो हमें प्राप्त थे। और उसके बाद फिर हम जाने लगे हिमनिवर नमोस्तु करके, तो वहाँ पर और भी साधु लोग आ गए, वो सब सुन रहे थे। और जब हम चले गए तब उनके जो ग्रस्त जीवन के जो उनके पुत्र थे वो वहाँ पर आए। तो फिर उनके पुत्र ने हमें बाद में बताया कि आपके जाने के बाद मुनि महाराज ने ये कहा, ऐसे इतना संकेत किया उन्होंने कि हमें जो इष्ट था वो प्राप्त हो गया। और फिर उसके बाद बड़ी शांति से बहुत प्रसन्नता के साथ उनका समाधि मरण हुआ। और ऐसा कहते हैं कि समाधि मरण के वो अंतिम अंतर मुहूर्त में सब व्याधियां शांत हो जाती हैं, एकदम शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ऐसा वहीं पर मुनिराजों के मुख से सुना हमने। और वास्तव में जब सवेरे हम गए वहां पर तब उनकी वो विमान में वो विराजमान थे, वो तो जा चुके थे, तो उनके शरीर पर एक भी दाग नहीं था। जो सायंकाल उनके शरीर पर इतने दाग थे कि हमने सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि महाराज का नाम लिया, उनके शरीर पर कोई दाग नहीं था, एकदम साफ सुथरा शरीर था। तो ऐसे परिचय विजेता। अभी अपन ये काल कितना भी विकट हो, कैसे भी स्थिति में साधु रह रहे हैं, लेकिन उनकी संलेखना अगर देख लो आप, 8-10 संलेखना अगर देख लोगे तो आपका साधुओं के प्रति आदर बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी अपन क्या है कि कई बार कुछ त्रुटियां होती है साधुओं से, लिखा ही है शास्त्र में, लिखा है कि ऐसा एक साधु भी नहीं होगा इस काल में जिसके अंदर एक भी त्रुटि ना हो ही नहीं सकता। ये तीर्थंकर के वचन है, सातिचार चरित्राश्च कालेत्र किल साधव भाषितास्तीर्थनाथेन तत्तथ्यम कथम अन्यथा। अत्र काले किल, इस काल में नियम से साधव सातिचार चरित्राश्च, साधु जन अतिचार युक्त चरित्र के धारी होंगे, दूषित उनको दोष लगेंगे कुछ न कुछ। तीर्थनाथेन भाष्यता, ये तीर्थंकर भगवान कह करके गए हैं, तत्तथ्यम
अन्यथा कथम उनके वचन असत्य कैसे हो सकते हैं। तो ज्यादा शुद्ध देखने की अपेक्षा रखने के बजाय अपन उनकी संलेखना देख लें कुछ साधुओं की, तो समझ में आएगा कि कितनी निष्ठा रही होगी उनके जीवन में, उनसे कितनी भी गलतियां हुई हो लेकिन फिर भी उनको संलेखना के प्रति कितना उनका भाव जुड़ा होगा कि अब संलेखना के समय वो सब प्रपंचों से मुक्त होकर के अच्छी तरह संलेखना कर रहे हैं। बड़े बड़े नामी लोग नहीं कर सकते संलेखना, और एकदम साधारण लगने वाले साधु अच्छे से संलेखना कर लेते। एक साधु थे वहाँ पर अपने दक्षिण महाराष्ट्र की बात है, कोल्हापुर जिले में, तो क्या था 2022 में जनवरी को उनकी संलेखना हुई। वो हाथ में एक माला रखते थे, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में दिन भर प्रवचन सुनते रहते थे कोई ना कोई साधु के, महाराज जी, मुनि महाराज थे। तो अब कोई उनके भावों को और उनकी परिणति को अगर सिर्फ उस एक मोबाइल को देख करके उनका आकलन करे तो बड़ी हानि भी हो सकती है आकलन करने वाले को, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना अहितकारी है। वो उस पर कोई फिल्मी गाने नहीं सुनते थे, वो उस पर कोई इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते थे, वो सिर्फ ये जो उपदेश वगैरह आते थे जहाँ भी आते थे जिस चैनल से, बस वो सुनते रहते थे। और जब उनकी संलेखना हुई, ऑक्सीजन लो हो गया था, हार्ट थ्रोट वगैरह में कई जगह प्रॉब्लम्स थी, उनका नाम अभयनंदी मुनि महाराज था, उनकी आयु पूर्ण होने पर भी उनकी मुद्रा ये थी, घंटों तक ये मुद्रा थी उनकी। इस मुद्रा को देखकर क्या शिथिलाचारी शीर्षक दिया जा सकता है? ये मरण के उपरांत एक दो घंटे बाद लिया हुआ चित्र है। तो इसलिए कभी भी किसी साधु के विषय में कोई ऐसे विचार ना लाते हुए, साधु है, पुराने लोग तो बोलते थे कि पीछे कमंडलधारी हैं, अपन कभी भी उनका अनादर नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वो जाने, अपन अपना कर्तव्य करें, बस अपन ज़्यादा चतुराई ना करें, अपन होशियारी ना करें, होशियारी बहुत नुकसान पहुंचाती है। कितने होशियार लोग थे मुनियों की आलोचना करने वाले, क्या हुई उनकी गति, मरण काल कैसा गुजरा उनका, देख लो, आपका ही उदाहरण मिल जाएंगे आपको। इसलिए साधु तो साधु हैं, ठीक है, चौथे काल जैसे नहीं हो सकते, इस काल में कैसे हो सकते हैं? न श्रावक हो सकते हैं, न मुनि हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते। असत्य नहीं बोलना है अपने को, नहीं हो सकते यानी नहीं हो सकते। जब तीर्थंकर कह रहे हैं कि नहीं हो सकते तो फिर अपन उनसे बड़े हो गए क्या? नहीं, पंचम काल की चर्या शांति सागर महाराज जी आदि ने सबने तप किया, लेकिन फिर भी जिनेन्द्र भगवान ये कह गए कि वो वहां की बराबरी नहीं कर सकते, कोई कुछ ना कुछ चूक रहेगी, तो अपने को चूक पर ज्यादा वो नहीं करना है संकल्प विकल्प,
अपने को बस गुरु महाराज है, ज़्यादा उसमें पछड़े में नहीं पड़ना कषायों के मार्ग। अब इसमें कभी कभी कुछ साधुओं का भी वो रहता है ना थोड़ा सा, वो भी इस प्रकार से प्रेरित कर देते हैं, कोई बात नहीं। अपन अपना कर्तव्य है कि अपन विनय भक्ति वात्सल्य इससे बाहर ना आए, किसी के प्रेरणा मिलने पर भी अपन अपने विनय भक्ति वात्सल्य को ना छोड़े, बस इतना है तो अपन बचे रहेंगे, अंत में अपना मरण अच्छा होगा। और अगर अपन अहंकार में आ गए, अपन अगर और किसी दूसरे मार्ग पे चले गए तो कुछ नहीं रहता। जब तक पुण्य है तब तक अपना ठाट चलता है, और जिस दिन पुण्य का अंत होता है उस दिन कोई पूछने वाला नहीं मिलता, कोई नहीं। सीता जी अकेली पड़ी है जंगल में, कोई कल्पना कर सकता है कि पूरे भरत क्षेत्र की राजधानी अयोध्या की महारानी अकेली जंगल में पड़ी है? क्या है, कर्मों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपन बच के रहें। इसी का नाम संवेग है। विरुद्धाहार पान सेवन वैषम्य जनित वातादि विकार रोगस्य, इस एक पद के अर्थ के लिए अपन ने वो पूरी कथा देखी और उसमें पता चला कि 200 वर्ष तक उन्होंने रोग परिसर को निष्प्रतिकार सहन किया, और जो प्रतिकार करना चाहते थे परीक्षा लेने के लिए उनको ये बता दिया कि प्रतिकार तो मेरे पास पहले ही है, तो ऐसे हाथ फेरने से ठीक हो सकता, तो मुझे आवश्यकता नहीं है उसकी, अगर जरा मरण का कोई उपचार हो तो बता दो। बोले कि वो तो आपके ही पास है, वो आपके अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। और युगपद अनेक शत संख्य व्याधि प्रकोपे सत्य भी, एक साथ अनेक शतक अर्थात सैकड़ों संख्या में व्याधियों का प्रकोप होते हुए भी होने पर भी तद वर्षवर्तिताम विजहता, व्याधियों के वशीभूत नहीं होते, मैंने विकल नहीं होते, उनका मनोबल नहीं टूटता, वो जिस उत्साह से मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें कमी नहीं आती। जल्लौषधि प्राप्त्याद्यनेक तपो विशेष अर्धि योगे सत्यपि, और जल औषध का अर्थ होता है शरीर पर जो धूल जम जाती है उसको भी अगर ऐसे निकाल करके वो धूल कहीं लग जाए किसी को तो सब रोग नष्ट हो जाते उसके। तो ऐसी अनेक रिद्धियों का संयोग होने पर भी शरीर निःस्पृहत्वात् तत्प्रतिकारान अपेक्षिणों, शरीर के प्रति निष्प्रय होने के कारण अपने शरीर में उत्पन्न हुई व्याधियों के प्रतिकार की अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे साधु के रोग परिशय सहनम अवगंतव्यम, ये निश्चित समझना कि इन्होंने रोग परिशय पर विजय प्राप्त कर ली है। तृण ग्रहण उपलक्षण, अब तृण स्पर्श नाम का जो परिचय, वहाँ पर तृण जैसे वहाँ पर दंश मशक में उपलक्षण था, वैसे यहाँ तृण स्पर्श में उपलक्षण है। कैसे, कस्यचित व्यधन दुख कारण से, किसका उपलक्षण है तो बोले किसी भी चुभने वाली वस्तु को उसमें ग्रहण कर सकता है, वो कांटा भी हो सकता है, बुंदेलखंड में बोलते डठुआ ठूठ और कांटे, खेत से निकलते समय वो लोग बोलते हैं किसान लोग कि महाराज देख के जाइयो उते डटवा ठूट और कांटे डरे, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं तृण स्पर्श में। तीन उससे क्या क्या लेंगे, शुष्क तृण सूखा हुआ तिनका जो एकदम कठोर हो गया है, पैर में छुप सकता है, परुष शर्करा एकदम कठोर कंकड़, और कंटक
कांटे, निश्चित मृत्तिका और कुछ मिट्टी भी ऐसी है तो होती है जो पैरों को काटती है, और शूलादि व्यथन और कुछ और चुभने वाली कोई वस्तु है, कांच है, कीले हैं, और कभी कभी तार भी चुभ जाते हैं पैर में। वो बाड़ी के जो तार ऐसे निकले हुए रहते हैं ना, वो अगर मिट्टी में हो और दिखाई ना दे तो फिर पैर में चुभ भी जाते हैं। शूलाद व्यधन कृत पाद वेदन वेदना प्राप्त सत्यम, तो उससे पैरों की वेदना की प्राप्ति होने पर भी तत्रा प्रणिहित चेतसश्च, वहाँ अपना ध्यान नहीं ले जाते हैं। और चर्या शय्या निश्रद्यासु प्राणी पीड़ा परिहारे नित्यम प्रमत्त चेतसस, और चर्या के समय, शय्या के समय और आसन लगाते समय भी प्राणियों की पीड़ा का, प्राणियों की जो पीड़ा है उसके परिहार में नित्य अप्रमत्त मन वाले होते हैं, यानी अहिंसा में हमेशा सावधान रहते हैं। तो ऐसे साधु के तृणस्पर्शा बाधा परिशय विजयो वेदितव्य, तृणस्पर्श रूप बाधा से होने वाला जो परिशय यानी कष्ट है उस पर विजय जानना। अपकायिक जंतु पीड़ा परिहाराय, जलकायिक जीवों को जो पीड़ा पहुंचती है उसका परिहार करने के लिए आमरणादस्नान व्रत धारिण, मृत्यु तक स्नान न करने का व्रत धारण करने वाले और पटु रवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त पवनानीत पांसु निचयस्य, तीव्र सूर्य किरणों के घाम से उत्पन्न पसीने से चिपकी हुई वायु से आई हुई धूल के समूह को जो अपने शरीर पर धारण करने वाले हैं, सिद्ध में उनको, सिद्ध में यानी सेहुआ हो गया है शरीर में, कहीं कहीं पर त्वचा थोड़ी सी फीकी हो जाती है, सेहुआ कहलाता है। कच्छू दद्रु, फिर खाज हो गई है, दाद हो गई है, और इनके कारण उदीर्ण कंडुयायाम उत्पन्नायाम अपि, जो खुजली उत्पन्न हुई है उसके होने पर भी कंडुयन विमर्दन संघटन विवर्जित मूर्ते वो अपने शरीर को न तो खुजाते हैं, न ही उसका मर्दन करते हैं, न ही उसको रगड़ते हैं, वो चुपचाप उस खुजली को सहन करते हैं। स्वगत मलोपचय परगत मलापचय यो रसंकल्पित मनस, अपने शरीर के मैल को बढ़ाने का और दूसरों के शरीर के मैल को घटाने का संकल्प नहीं करते अपने मन में कि भाई मेरे शरीर में धूल जम जाए तो जम जाए, लेकिन मेरे गुरुजनों के शरीर पर धूल न जमे, ऐसा संकल्प भी वो मुनि नहीं कर सकते। और सज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनेन कर्म मल पंक निराकरणाय नित्यम उद्युक्त मुद्यत मते, जो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल जल के प्रक्षालन पूर्वक कर्म रूपी मल और पंख यानी कीचड़ का निराकरण करने के लिए नित्य ही उद्युक्त मति रहते हैं, जिनकी मति उसी में तत्पर रहती है, ऐसे साधु के मल पीड़ा सहन माख्यायते, मल पीड़ा पर विजय कही जाती है। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सत्कार शब्द का अर्थ है पूजा और प्रशंसा, यानी इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पूजा और जयमाला, जयमाला में प्रशंसा की जाती है, तो सत्कार का अर्थ पूजा और जयमाला है। फिर पुरस्कार का अर्थ क्या होता है, पुरस्कारो नाम क्रिया रंभा दिश्वग्रत करणम आमंत्रणम वा, पुरस्कार का अर्थ होता है पूरह माने आगे और कार यानी करना, आगे करना, क्रियादिश क्रियारंभादि
किसी क्रिया को कोई प्रारंभ करने जा रहे हैं, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, उसके प्रारंभ में साधु को आमंत्रित करते हैं कि आइए महाराज, आप पहले यहाँ विराजमान हुई है, तो उनको आगे किया जाता है। और पुरस्कार का अर्थ जब अपन पूजा करते हैं तो सबसे पहले ढूंढने में अपन आह्वान करते हैं कि ओम ह्रीम श्री वृषभ जिनेन्द्र अत्रावतरावतर संवौषट आह्वानम। आह्वानन नहीं बोलना, अगर आपको दूसरा शब्द बोलना आह्वान नहीं बोलना है तो फिर आप आवाहनम ऐसा बोल सकते हैं। आवाहन और आह्वानम ये दो शब्द हैं, आह्वानन नहीं है। हुआ में अगर आप बोल रहे आह्वान तो फिर आह्वान शब्द है, आह्वानन शब्द नहीं है। और अगर ह नहीं बोल रहे हो आप तो आवाहन ये दूसरा शब्द है, आवाहन बोल सकते हैं, आवाहन बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। आवाहन अथवा आह्वान, बस ये आह्वानन नहीं है। कैसे करें आप लिख लो, हम आपको लिख के देते हैं, आप उसमें से उतार लो। ये दिखेगा आपको या और बड़ा करना पड़ेगा? हम और बड़ा करके दूसरे ऐप में लेकर के बड़ा करते हैं इसको। अब देख रहे हैं, इसको लिख लो आप, इसमें ऊपर के दो सही है, नीचे का गलत है। नहीं, अनुस्वार तो लगा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, सब में अनुस्वार लग सकता है। एकदम सरल है, आह्वान बोलने में कोई नुकसान ही नहीं है। आह्वानन बोलने की बात ही कहाँ है, आह्वानन अशुद्ध है। अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अगर प्रदीप पीयूष ने लिखा होगा वो देखना, तो उनको अपन ये भिजवा दो, ये फोटो खींच लो इसकी और ये भिजवा दो उनको। अब इसमें ये लाल निशान आ रहा है, ये बड़ी आफत है। Thank you.
नहीं, वो संभव शर्ट तो अलग चीज़ है, वो तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। अब इसमें से लाल लाइन निकालने के लिए हमें इतना उपक्रम करना पड़ा, अब फोटो खींच लो। हो गया ना एकदम? अरे अभी जो चल रहा विषय उसको चलने दो शांति से, ये सब बातें बाद में देख सकते हैं। नहीं तो ठीक है, संभोषट तक लिखना पर्याप्त है। आह्वान का मतलब तो वो विधि, उसको आह्वान कहते हैं। संभोषट का मतलब आपने आह्वान किया, फिर अत्र तिष्ठ ठह ठह स्थापनम बोलना आवश्यक नहीं है, ठह ठह का अर्थ ही स्थापना है। और अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट, वशत का अर्थ सन्निधिकरण है। तो सन्निधिकरण तो ब्रैकेट्स में वो लिखते हैं कि इसका मतलब अपन ने अपने निकट कर दिया, जिनको भी अपन ने बुलाया उनको अपने निकटवर्ती कर दिया, और अब अपन अच्छे से भक्ति करेंगे निकट से, ऐसा है। संभोषण बोलेगा तो चलेगा। तो आज इतने ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। सत्कार पुरस्कार का अर्थ अपन ने समझा था, अब इसकी व्याख्या अपन बाद में देखते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा